बरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के समस्त जिला संयोजक नरेश गंगवार, रामलाल कश्यप, आलोक चौहान, जितेंद्र पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मांग की कि उत्तर प्रदेश के 14 लाख व देश के लगभग 70 लाख शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी एनपीएस की कमियों के कारण उसका विरोध एवं पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। नवीन पेंशन स्कीम एक छलावा है और शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी इस व्यवस्था से पूरी तरह से निराश हैं क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में पेंशन मिलती है। इस व्यवस्था को पेंशन कहने में शर्म आती है। आपके नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है और नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी लगातार आपकी तरफ बढ़ी उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि शायद आप कर्मचारियों व शिक्षकों की पीड़ा को समझेंगे और उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। नवीन पेंशन स्कीम में ना तो कर्मचारी का और है ना सरकार का हित। नवीन पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए जिससे शिक्षक और कर्मचारी बुढ़ापे की टेंशन ना लेकर के वर्तमान में सही ढंग से काम करें। पेंशन, 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 पेंशन। मैं नरेश गंगवार, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद बरेली। हमारी मांग एक बहुत पुरानी मांग है। ये 2004 में माननीय अटल जी की सरकार थी, उन्होंने हमारे कर्मचारी, अध्यापकों की सबकी पेंशन बंद कर दी। और सारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो लोकसभा सांसद हो, चाहे विधानसभा से विधायक हो या MLC हो, सारे लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि आप NPS लो। अरे भाई, इतनी अच्छी NPS है तो आप भी लेके दो पुरानी, नई वाली। हमें पुरानी दे दो, आप नहीं ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो इसी को लेकर के हमारा संघर्ष जारी है और आज भी हमने पैदल मार्च निकाला कलेक्ट्रेट तक। आने वाले समय में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसके अध्यक्ष आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत जल्दी जंतर मंतर दिल्ली पर हमारा एक पूरे राष्ट्र स्तर का एक मतलब संघर्ष होने जा रहा है, जिसमें बरेली से भी तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।